हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट सेट के बारे में। तो फ्रेंड्स जी हाँ, ये रिजल्ट सेट एक इंटरफेस है जो कि JDBC API में है, और इसका हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे अगर आप कोई डेटा सेलेक्ट करना चाह रहे हो डेटाबेस। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट सेट के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं रिजल्ट सेट क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप एक्चुअल में JDBC सीखना चाहते हो, डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स रिजल्ट सेट के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी होगी जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड तो यहाँ पे दो इंटरफेसेस हैं, एक है रिजल्ट सेट और फ्रेंड एक है रो सेट। तो रो सेट समझ लो ऐसा कि रिजल्ट सेट का एक पैरेंट है जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसा समझ लो, रिजल्ट सेट के पास अगर हम सुपर पावर दे दें तो बन जाएगा रो सेट। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिजल्ट सेट। अगर आपको रिजल्ट सेट अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप काम कर सकते हो, सारा JDBC में डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, उसको ट्रेवर्स कर सकते हो। फ्रेंड्स तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट सेट के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देखा, रिजल्ट सेट एक इंटरफेस है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं और हम क्वेरी चलाते हैं, तो क्वेरी वहाँ से जो चलाते हो आप, टेबल के फॉर्म में जो डेटा आता है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि लेट अस सपोज आपने कोई डेटा सेलेक्ट किया और डेटा जो आएगा, फ्रेंड ये डेटा जावा में रिप्रेजेंट कर कैसे करेंगे, दैट मीन्स इस डेटा को रखेंगे कैसे, तो यहाँ पे रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट काम आएगा। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो भी डेटा आप फेच करोगे वहाँ से, वो डेटा मिलेगा रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में ही। तो फ्रेंड्स यहाँ जो स्क्रीन पे हम टेबल बना के रखे हैं फ्रेंड्स, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है कि जो रिजल्ट से डेटा स्टोर करता है वो कैसे स्टोर करता है। फ्रेंड यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि रिजल्ट सेट क्या करेगा, जो डेटा स्टोर करेगा वो टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। टेबल टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेगा तो करना क्या है, टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेगा रिजल्ट सेट। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नाम्स लिखे हैं, उनके नंबर्स आईडीज लिखी हुई है और यहाँ पे सिटीज़ उनके लिखे हैं। तो जब आप रिजल्ट सेट का आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, अभी हम लोग दिखाएंगे कैसे रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब भी आपको रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ऐसे ही टेबल लाइक स्ट्रक्चर रिजल्ट सेट के अंदर होगा, जो कि आपको एक्चुअल में दिख नहीं रहा, बट आपको ऐसे ही देखना है, ऐसा ही सोचना है कि हाँ भाई यही टेबल लाइक स्ट्रक्चर आपको मिला है जो आपने डेटा सेलेक्ट किया। और यहाँ पर हम लोग फ्रेंड देख पा रहे हैं कि जो आपका कर्सर है वो कर्सर फर्स्ट रो से पहले है, दैट मीन्स बिफोर द फर्स्ट रो। तो कर्सर हमेशा आपका पहले रो के बिफोर, मतलब पहले ही होगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कर्सर को मूव करके फर्स्ट पे ला सकते हैं और उसके बाद सेकंड पे ला सकते हैं, उसके बाद थर्ड पे ला सकते हैं। जिस रो पे कर्सर होगा उस रो का डेटा हम लोग फेच कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो हम लोग यहाँ चले देखते हैं कैसे आपको करना है। फ्रेंड्स तो जैसे ही हम लोग, लेट अस सपोज हमको ऑब्जेक्ट मिल गया और उस समय हमारे पास टेबल ऐसे है और कर्सर हमारा पहले है, तो एक चीज़ आपको और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉट अपडेटेबल होता है। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट में अगर आपको डेटा अपडेट करेंगे तो नहीं होगा, और स्क्रॉल फॉरवर्ड ओनली होता है। दैट मीन्स आप सिर्फ ऊपर से नीचे को एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्क्रॉल कर पाएंगे, ना आप बैक जा पाएंगे, पीछे जा पाएंगे, ना पर्टिकुलर किसी रो की वैल्यू निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, एक बार आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं। दैट मीन्स ये जो कर्सर है, ये कर्सर एक बार यहाँ सकता है, ये कर्सर यहाँ सकता है, ये कर्सर यहाँ सकता है, उसके बाद ये दोबारा बैकवर्ड नहीं मूव कर सकता, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट सेट आपको मिलेगा वो उसका जो मूवमेंट होगा सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको करना क्या है। फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए, जब भी ये कोई सिचुएशन होगी तो आपको एक मेथड है रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के पास, नेक्स्ट मेथड। जैसे आप नेक्स्ट कॉल करोगे तो आपका कर्सर, अगर कोई इस कर्सर के नेक्स्ट में रो होगी, मतलब नेक्स्ट रो होगी, तो कर्सर आपका क्या करेगा, नेक्स्ट मूव कर जाएगा और ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई नेक्स्ट रो होगी तो ये जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा और कर्सर आपका मूव कर देगा नीचे। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोग इस रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्सर है वो आपका फर्स्ट रो पे है। फ्रेंड्स तो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेट अस सपोज आप इस रो की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो आपका रिजल्ट सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट पे आप गेटर मेथड कॉल कर सकते हो। लेट अस सपोज हमारा रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है सेट, तो हम लिखेंगे सेट डॉट गेट। अब गेट के बाद को आप गेट के बाद आपको लिखना है टाइप, किस टाइप की वैल्यू आप गेट करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स जैसे मान लो हमें ये वाली वैल्यू गेट करनी है यहाँ पे करण, तो ये करण स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग। और हम यहाँ पे दो चीज़ पास कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि अभी आपका कर्सर यहाँ पे है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें या तो इस कॉलम का नंबर पास करना है, या तो इस कॉलम का जो नाम होगा डेटाबेस टेबल में वो पास करना है। फ्रेंड्स तो अगर हम यहाँ 1 पास कर दें तो आपकी करण वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपने जावा प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग वैल्यू में रख सकते हैं सिंपली, या नहीं तो
तो आपका ये जो नाम होगा वो मिल जाएगा इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नंबर निकालना होगा, तो एग्जैक्ट आप यहाँ पे इंट आईडी लेंगे और सेट डॉट गेट इंट और यहाँ पे 2 पास कर देंगे। फिर इसी तरह नेम के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। जब फ्रेंड्स आपका ये पूरा काम हो जाएगा, दैट मीन्स एक रो हो गई, तो आपको दूसरी रो पे मूव करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मैथड कॉल करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट मैथड आपको अगर कोई नेक्स्ट रो होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा और ये कर्सर फिर से नेक्स्ट रो पर मूव कर जाएगा, और आपको फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना होगा, वो सारे मैथड रिपीट करने होंगे। जॉन वैल्यू निकालने तो फिर से सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, फिर फर्स्ट और उसके बाद आईडी, उसके बाद सिटी, और जब आप फिर से रोज निकाल लेंगे तो आप फिर से नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे। अगर नेक्स्ट रो है, यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट रो है, तो ट्रू क्या करेगा, ये नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा और हमारा कर्सर फिर से नेक्स्ट मूव कर जाएगा। अब हम क्या कर पाएंगे, फिर से इस रो की वैल्यू निकाल पाएंगे फ्रेंड। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या करके बार बार वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास एक ट्रिक है इस वैल्यू निकालने, सारा एक ही बार में वैल्यू निकालने के लिए, आप व्हाइल लूप चला सकते हैं। ये कर्सर अपने आप मूव करता जाएगा और नेक्स्ट 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 चलता जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जब ये नेक्स्ट क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर कोई नेक्स्ट रो नहीं है। दैट मीन्स अब यहाँ पे कोई नेक्स्ट रो नहीं है तो इस मेथड को कॉल करें तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो आप कुछ काम कर सकते हो। जैसे व्हाइल के अंदर रखोगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको सारा डेटा प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, आप लिख दो व्हाइल, और व्हाइल यहाँ पे सेट का ऑब्जेक्ट अगर सेट में है तो आप डॉट नेक्स्ट लिख दोगे। अब ये क्या होगा, ये नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब अगर रो है तभी ये ट्रू देगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ट्रू है तो हम यहाँ पे रो पे काम कर देंगे और ये चीज़ रिपीट करता रहेगा। फिर से नेक्स्ट रो है रिपीट हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट रो है वैल्यूज निकल जाएंगे फिर से, और ये मेथड जैसे ही फॉल्स मिले रिटर्न करेगा। इसका मतलब रो नहीं है, और रो नहीं है तो हमारा लूप नहीं चलेगा, ब्रेक हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इसको ट्रबल्स भी कर सकते हैं, ये भी देख लिया, और इन मेथड से काम क्या है ये भी देख लिया फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं कि ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मिलेगा तब तो ये सारा काम होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कैसे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ देखने जा रहे हैं हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट शीट। ऑब्जेक्ट मिलेगा तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट नॉट अपडेटेबल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नॉट अपडेटेबल। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते, और कर्सर सिर्फ मूव कर सकते फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये जो दो चीज़ें हमने लिखी हैं, ये हमारी जो अभी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी है, और हम लोग देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट आपको लेना है। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट पाने के लिए आपका जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आप पहले बना लोगे या कनेक्शन बनाओगे फिर स्टेटमेंट बनाओगे, उसके बाद स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट पे जैसे ही आप एग्जीक्यूट क्वेरी वाला मेथड कॉल करोगे और अपनी क्वेरी दोगे तो क्वेरी जाएगी, फायर हो जाएगी, और फायर होने के बाद आपको ये जो सेट मिलेगा ये दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट होगा, और इसी के अंदर जो अभी हम लोगों ने टेबल देख रहे थे वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर इसी सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर रखा होता है। या आप प्रिपेयर स्टेटमेंट पे भी एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल कर दोगे तब भी आपको यही सेट मिलेगा। तो सेट पे आप प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल कर सकते हो, या फिर आप प्रिपेयर स्टेटमेंट पे आप ये एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करके सेट निकाल सकते हो, या सेट या स्टेटमेंट पे भी आप एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल करके ये ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। और जब आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा, दैट मीन्स जैसे ही ऑब्जेक्ट मिलेगा ये इसके अंदर टेबल होगी आपकी, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो जिसके अंदर डेटा रखा होगा, और सेट में आपने यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट था उसका रेफरेंस सेट में रख दिया है, तो सेट जो होगा वो इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। अब हम सेट पे वो सारा काम करेंगे, व्हाइल में सेट डॉट नेक्स्ट लगाएंगे और फिर वैल्यूज़ को फेच करेंगे विद हेल्प ऑफ बेटरमेंट। तो बेसिकली ये काम हम लोग करेंगे अपने पूरे प्रोग्राम में अगर आपको डेटा फेच करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट मिला है इसमें इसके अंदर जो भी डेटा है फ्रेंड, ये हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं मूव। एक बार आप नीचे आ गए तो आप दोबारा ऊपर नहीं जा पाओगे। दैट मीन्स रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं, उसकी निकाल सकते हैं, और ये नॉट अपडेटेबल है, इसका मतलब ये अपडेट भी नहीं हो सकता फ्रेंड। अगर आपको ऐसा रिजल्ट सेट बनाना है कि अपडेट भी हो जाए और आप कहीं भी मूव कर सकें, ऊपर नीचे या फिर रिलेटिव पोजिशनिंग मूव कर सकते हैं, कि अगर आप एक पे हो तो आप दो पे जा पाओ या पीछे आ पाओ या आगे आ पाओ, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है उसको अपडेटेबल बनाना होगा, और आपको कर्सर स्क्रॉलेबल बनाना होगा। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को स्क्रॉलेबल बना दोगे तो आप स्क्रॉल भी कर पाओगे आसानी से ऊपर। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिजल्ट सेट का एक तरह का जो भाई है रो सेट, वो बाय डिफॉल्ट अपडेटेबल और स्क्रॉलेबल होता है। दैट मीन्स अगर हम रिजल्ट सेट की जगह पे रो सेट बनाए होते तो हमारा दोनों काम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। रिजल्ट सेट में वो काम हो जाएगा, बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस रिजल्ट सेट को निकालेंगे और इसको
हम लोग इस रिजल्ट शीट को निकालेंगे और इसमें से डेटा फेच करके प्रिंट करेंगे। एक वीडियो मैंने बनाई थी पिछले 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 सीरीज़ में, इसी सीरीज़ में, मतलब हमने एक वीडियो बनाई थी कैसे आप इसको मूव करके आप डेटा को फेच करके फिर प्रिंट करो फ्रेंड्स। तो आप उसको भी देख सकते हो, अगर आप रिजल्ट सेट को समझ जा रहे हो तो आप पिछले वीडियो भी देख सकते हो जिसमें हमने यही काम किया है, डेटा फेच किया है और आपको प्रिंट करके दिखाया है फ्रेंड्स। तो उसकी जो वीडियो की लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कैसे काम किया है, कैसे मैंने फेच किया है। एग्जैक्ट यही जो हमने आज थ्योरी समझी वही मैंने प्रैक्टिकल कर दिया था। मैं उस आप वहाँ पर वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले वीडियोस और भी ला सकें और कॉन्सेप्ट को आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा समझा सकें। थैंक यू, बाय बाय।